वेलकम फ्रेंड्स। हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी की जबरदस्त घोषणा के बाद कर्मचारियों पेंशन भोगियों में जश्न का माहौल। इसी बीच लंबे समय से चली आ रही फिटनेस फैक्टर बढ़ाकर 3.6% करके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने में 18 माह बकाए एरियर के भुगतान को लेकर आखिरकार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 55 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों के लिए एक साथ कैबिनेट मीटिंग में खुला खुशियों का पिटारा। कैबिनेट मोहर के बाद एरियर भुगतान के आदेश लाखों रुपए खातों में जमा। आइए जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। इससे पहले सभी केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशन भोगियों आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारी और पेंशन भोगों से संबंधित अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सरकार बढ़ाकर करेगी इतना वेतन। लंबे समय से फिटनेस फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी अच्छी खबर मिल सकती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्दी फिटनेस फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये करने वे फिटनेस फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68% करने को लेकर मांग करते आ रहे थे। यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारी के फिटनेस फैक्टर में इजाफे की घोषणा करती है तो उनके वेतन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दरअसल फिटनेस फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% के आधार पर फिटनेस फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता है तो कर्मचारी न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब केंद्र सरकार कर्मचारी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। इसी के साथ साथ 18 माह एरियर के भुगतान को लेकर आई जबरदस्त खुशखबरी। 18 महीने के डीए को मिली मंजूरी। सरकार की ओर से डीए एरियर को लेकर बड़ी जानकारी दी गई। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपने अटके हुए डीए का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कर्मचारियों का डीए का वन टाइम सेटलमेंट करेंगी, यानी आपके खाते में करीब 18 महीने का एरियर एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक का एरियर सरकार ने रोक लिया था, जिसकी मांग काफी लंबे समय से चल रही थी। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक डीओपीटी और वित्त मंत्रालय विभाग के अधिकारियों के साथ जेसीएम की ज्वाइंट मीटिंग जल्द की जाएगी। आपको बता दें कि इस मीटिंग में कर्मचारियों को लटके हुए डीए पर चर्चा होगी। इसी के साथ ही इसी महीने में सरकार इस एरिया को लेकर कोई बड़ा अपडेट दे सकती है। डीए के बाद एचआरए में बंपर बढ़ोतरी। केंद्र सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। सरकार ने कर्मचारियों की डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। अब आप इसके साथ ही सरकार जल्दी हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिल सकती है। सरकार डीए के बाद अब एक और भत्ते को बढ़ाने विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी। जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ोतरी के बाद अब एचआरए बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है। दरअसल डीए बढ़ने के साथ ही एचआरए में भी संशोधन का अनुमान है। 34% हुआ कर्मचारी को डीए। केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन लंबे समय से इंतजार के बाद महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान हो गया। मार्च की सैलरी के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा मिल गया है। इसके साथ ही अब एचआरए में भी जल्दी ही बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।